नमस्कार फ्रेंड्स, डिजिटल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आधार सीडिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जाएंगे रिलेशनशिप में। जाने के बाद सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कंज्यूमर नंबर डाल देंगे। कंज्यूमर नंबर डाल देने के बाद इंटर क्लिक करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद में देख लीजिए स्टेटस आ रहा है एक्टिव। उसके बाद लास्ट नेम पर क्लिक करेंगे, लास्ट नेम पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसके बाद सबसे किनारे चले जाएंगे, एसआर प्रोफाइल है दोस्तों, उसमें जाने के बाद में प्लस सिंबल पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो इसमें अपना ग्राहक का मोबाइल नंबर, उसके बाद में सारी चीज़ें चेक कर लेंगे तो एल ओ बी में आ जाएंगे। एल ओ बी में अगर आधार सीडिंग करना है तो आधार, और बैंक सीडिंग करना है तो बैंक सीडिंग करेंगे। ट्रांजैक्शन टाइप में कुछ नहीं रहेगा, इसके लिए कंट्रोल यस के बाद सेव कर देंगे। जैसे ही सेव हो जाएगा तो एक एसआर सर्विस नंबर आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक कर लेने के बाद अब इसमें आधार नंबर मांग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। तो इसमें आधार नंबर जैसा कि मेरा पहले से पड़ा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं वही नंबर फिर से डाल दे रहा हूँ। आधार नंबर डाल देने के बाद में सबमिट एसआर पे क्लिक करेंगे। एसआर पे क्लिक करते ही रिमार्क में देखिए लिख के आ गया जैसा कि मेरा फीड था, तो इसमें एसआर अप्रूवल आ गया दोस्तों, यानी अप्रूवल है ने? तो ये अप्रूवल के लिए चला गया। तो वीडियो कैसा था हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।